मिलने आए। देखो गाइस इतने सारे फैन आ गए मेरे हमारे साथ ना गाइस, तो अभी जा रहे ना हम मंदिर को ले, क्योंकि ना बहुत टाइम को भी धोता हूँ और मैं पहले फटाफट से मैगी। तो पहाड़ से जो है ना सूरज इधर पे भी तो मतलब बढ़िया लग रहा है। दिवाली शॉप है यहाँ पे प्रधान जी की, तो जो है पैदल ट्रैकिंग का है। तो अभी दोस्तों हेलो, मेरी ऑडियंस को हैप्पी दीपावली बोलो। ए यहाँ जो है ना बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो इस हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइज। और कैसे हो यार आप सब लोग, बढ़िया हो गए। और आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। तो गाइज आज जो है ना दीपावली है, 24 तारीख है आज। तो आज जो है ना गाइज हम जा रहे हैं घर पहाड़ अपने दिवाली बनाने, क्योंकि जो है ना दिवाली बनाने में पहाड़ी मजा आता है। तो अभी जाएंगे हम, अभी टाइम हो रहा है करीब तुम्हारा टाइम 3:30, तो मैं तैयार हो चुका हूँ अभी फिलहाल, मतलब शॉप के लिए फिलहाल, घर के लिए नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं दुकान के लिए, फटाफट मार्केटिंग का काम निपटाते हैं 8 बजे तक, और 8 बजे निपटा के चले जाएंगे फटाफट से। और तो चलते हैं अभी पहले फटाफट दुकान के लिए। और अभी मैं अभी आपको ज़्यादा नहीं, बस अभी जब हम घर को जाएंगे तो तब ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ दुकान के लिए, तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी जो है ना हमारी गली पे इस तरीके से माला वगैरह सजी हुई है, इधर की साइड पर भी, और बाकी इधर को देखोगे तो इधर पर भी। सो गाइस ना बड़ा मस्त लगता है ना जब जैसे दिवाली में माला वगैरह से लाइट वगैरह से लगती है मकानों में, तो बढ़िया लगता है। कहता है दिल। सो गाइस जो है ना ये जो है यहाँ पे तिकोनिया चौराहा है, तो ना ये बहुत मस्त से सज रखा है यार, मुझे तो ना बहुत प्यारा सा लगता है ये। जो आजकल तो लाइटिंग हो रही है दिवाली के, उससे तो बहुत प्यारा लग रहा है गाइस यार। और बाकी जो गाइस जो है देखोगे ना सामने हमारी शॉप है, तो अभी जो है 2-3 चक्कर हो गए मार्केटिंग के हमारे फिलहाल, अभी एक चक्कर और मारूंगा मैं तो फिलहाल। बाकी मोहित गया हुआ है मार्केट के लिए, और बाकी लाइट वाइट भी लगा रखी है हमने शॉप में, देखोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से बढ़िया लग रही। नहीं बताना कमेंट में कैसी लग रही है लाइटें। अब आ गया हूँ मैं कमरे पे, और जो है ना मार्केटिंग का काम सारा निपटा दिया मैंने, मार्केटिंग का काम। और अब जो है कमरे पे आ चुका हूँ फिलहाल मैं, और अब जो है ना तैयार होता हूँ फटाफट से घर के लिए। और सुबह देखो 3:30 बजे, मतलब 3 बजे से उठ गए थे हम, 3:30 बजे से मार्केटिंग का काम किया, 7 बजे हमने कम्प्लीट कर दिया। और दिनों तो 7 बजे हम दूसरे राउंड के लिए मार्केटिंग के लिए जाते थे, आज जो है कम्प्लीट हो गया। तो चलते हैं फटाफट से घर के लिए, पहले जो है तैयार होता हूँ फिर मिलता हूँ आपको। आई एम रेडी फॉर टुडे, मेरे को अब थोड़े से बस बाल बनाते हैं, फिर चलते हैं। अभी जो है ना मुकेश और शॉप पे ही है, तो मैं रूम पे हूँ, तो मैं जो है रेडी होने में जरा ज़्यादा टाइम लगाता हूँ, तो इसलिए मैं पहले शॉप पे आ गया। और मुकेश भाई लोग शॉप पे ही अभी, तो मैं पहले रेडी हो जाता हूँ, फिर चलता हूँ यहाँ से शॉप के लिए। तो गाइस जो है ना मैं तैयार होने के बाद फटाफट से 5 मैगी ला गया, और एक चक्कर मार्केटिंग का भी और देखे आ गया ना, एक को मेटेरियल देना था फटाफट। तो पता है तुम्हें यार दिवाली में भी टाइम नहीं मिलता ना, हमारा जो है मार्केटिंग का काम है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो फटाफट से 5 मैगी बनाता हूँ, मुकेश भी आने वाला है शॉप से अभी, मुकेश लोग भी तैयार नहीं, मैं तो हो गया तैयार। तो पहले फटाफट से मैगी बनाता हूँ उनके लिए और अपने लिए भी, तो फिर मैगी खाते फिर निकलते हैं अपने पहाड़ के लिए। अब थोड़ा यहाँ जरा आजकल गर्म है, मतलब उतनी ज़्यादा तो नहीं है फिर भी है ही थोड़ा बहुत, तो ऊपर को जाके पहाड़ में तो जन्नत मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा। तो चलते हैं इसके बाद सीधे पहाड़ के लिए। पहुंच चुका हूँ मार्केट पे, तो अब जो है यहाँ से हमने जाना है ना पैदल रास्ता है। तो अभी हमारी जो है ना गाड़ी यहाँ देखोगे सामने खड़ी कर दी है, और बाकी जो है इधर पे जो है शॉप है यहाँ पे प्रधान जी की, तो बाकी प्रधान जी से भी मिलते हैं अंतर, तो मिलते हैं। हेलो प्रधान जी, क्या हाल है? और प्रधान जी कैसे हो? बढ़िया, हैप्पी दिवाली। और प्रधान जी जो है ना यहाँ अभी काम पे लगे हुए हैं, अभी बाद में बात करते हैं इनसे। बाकी जो है हमारे गांव के ना सारे 3-4 लौटे तो दिख गए, 1-2-3-4 लौटे दिख गए, बाकी इतना शर्माता है ना गाई जाए बहुत ज़्यादा। सो गाइस जो है ना अभी मैंने सामान वगैरह सब ले लिया, बाकी देखोगे ना तो अब जो है ना पूरा रास्ता जो है पैदल ट्रैकिंग का है, तो अब यहाँ से चलेंगे। बाकी मोहित और जो है जगमोहन पीछे जा रहे हैं, और बाकी जो है मुकेश और दीपक मेलकानी जो है हमें मिले हैं भीमताल के, देखो यहाँ पे ले जा रहे हैं, कुछ सामान इनके पास भी है और बाकी मेरे पास भी है। तो चलते हैं यहाँ से सीधे, कहाँ चलते हैं? ओए गाइस ये पोपट है ये वाला, ये यहाँ पर आते तो ना यहाँ पर हमेशा पानी पीते, और यहाँ पर हमेशा गर्मियों में भी पानी रहता बहुत सारा, देख रहे होगे ना एकदम मोटा पानी होता, और एकदम ना बहुत ठंडा कूल पानी रहता है, एकदम चिल्ड पानी ना, तो यहाँ पर पानी पीने का मज़ा ही कुछ और है यार। यहाँ पर आओ तो ना, अभी हम भी हमारे गाँव आओ तो यहाँ पर आकर आप ज़रूर पानी पिए। और बाकी जो है प्रधान जी भी पानी पीने लग गए यहाँ पर, इनका तो रोज़ का ही रास्ता है, तो ये तो रोज़ ही पीते होंगे यहाँ पर पानी।
तो फिलहाल हम भी पानी पी लेते हैं यहाँ पे। तो है ना अभी हम रुके हैं यहाँ पे बैठने के लिए, तो बहुत सारी हमने ट्रैकिंग कर ली ना, बहुत सारा पैदल रास्ता था, तो अभी जंगल पे आ गए हैं। यहाँ से अभी ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत होगा यहाँ से अभी हमारा घर, और बाकी जो है ना सारे हमारे दोस्त बैठे हैं गाँव वाले। तो दो हैप्पी दीपावली बोल दो सारे दोस्तों। हेलो मेरी ऑडियंस को हैप्पी दीपावली बोलो। ए गाइस, तो देखो यार आप सभी को हैप्पी दीपावली। तो आज दीपावली थी तो इसलिए हम भी घर आए हुए हैं, तो और वैसे तो टाइम मिल नहीं पाता हमें, और बाकी जो कुछ भी मैं पीछे शरारत कर रहा होगा तो आपको दिख ही जा रहा होगा कैमरे में। और जो है ना अभी हम आ गए यहाँ पे जो है मंदिर है टॉप पे, तो यहाँ से देखोगे ना पूरा डाउन है हमारे घर को जाते टाइम ना, पूरा नीचे तक डाउन है। और बाकी यहाँ पे जो है तीन लोग यहाँ पे बैठे हैं शांत वाले, और दो लोग हमारे आगे को चले गए, और बाकी बैग वैग हमारे सारे इधर है सामान के। और गाइस बहुत ज़्यादा थक गए यार आते आते। अब जो है ना मैं एक यहाँ पर एक पैकेट जो है ना इसका फोड़ता हूँ, मुर्गा छाप वाले पैकेट है, बाकी सारे हमारे बम तो वही है ना वो स्काई शॉट वगैरह वो तो शाम को फोड़ेंगे, तो शाम को मैं जाएगा। अभी यहाँ पर खाली एक पैकेट फोड़ता हूँ, जंगल भी है यहाँ, आग आग लगने का डर भी है, तो फिलहाल इसको फोड़ता हूँ। जो है ना अभी मैं जो है खाना खा के आ गया हूँ, और बाकी ना आप घर पहुँच चुका हूँ, मैंने बताया नहीं था आपको, मैं खाना खा के भी आ गया हूँ और घर पहुँच गया। अभी मैं घर पर ही खड़ा हुआ हूँ, तो इसके बाद देखते क्या रहता है। अभी मेरे को ना वो सामने दिख रहा है जो वहाँ देखोगे ना उधर, वहाँ तो वहाँ हमारा जो है पानी का टैंक है, तो वहाँ से यहाँ घर में आता है पानी, तो पहले मेरे को वहाँ से पानी तोड़ने जाना है ना, उधर का टैंक है टैंक में लगाने जाना है, तो मैं पहले वहाँ जाता हूँ। और बाकी जो थे प्रधान जी हैं, प्रधान जी ने भी खाना खा लिया अभी यहाँ पे, और बाकी चाची है, चाची जो है ना प्रधान जी के लिए भी खाना लेके आए थे, क्योंकि ना हम मार्केट से एक साथ ही आए थे प्रधान जी और मैं। और बाकी देखो ना आज का गाँव कितनी हरियाली हो रखी है, मस्त सी बढ़िया, पूरे सारे खेत हरे भरे हो रखे हैं, और बाकी खेतों पे जो है ना बहुत सारे अनाज वगैरह भी लग रखे हैं आजकल। और काकू का पेड़ यह है अभी, अभी एक की फरमाइश भी आई थी अभी, वो गोपाल है ना एक दोस्त मेरा जो है स्कूल का, तो वो भी बोला काकू लेके आना, नहीं तो हल्द्वानी मत आना बोल रहा था, उसके लिए ले जाने पड़ेंगे इसमें से काकू पक भी गए ले जाना है। हाँ कह रहा मेरे से, कह रहा भाई मैं भेज दूंगा यार, अब आदमी मिल गए ये नानू भाई से ले लेना 20 दाने काकू के, मैं दे दूंगा इसको। बाकी गोपाल भाई अगर देख रहे होंगे तो बाकी वो भी देखते तो हैं वैसे। हाँ महाराज श्री गोविंद वल्लभ मेलघानी हो, बाकी उन्होंने जो है क्या है वो योग दोष के बारे में भी बता रखा था, जेल दोष जे आजकल देखो ना पहाड़ में वो भी हो रखे पिनालू के ना पेड़ हो रखे हैं, बहुत सारे पिनालू लगे हुए हैं इनमें। अभी जो है ना ये खुदेंगे अभी कुछ टाइम बाद, अभी तो नहीं। और हमारे पेड़ ना कागजी नींबू का मतलब बारह मास इस पे जो है ना फल आता है हमेशा, कागजी नींबू आपको लगा दिखेगा इस पे हमेशा। और वो सामने देखो माल्टा भी होने लग गए हमारे आजकल, और बाकी नीचे पेड़ है हमारे माल्टा के बहुत सारे, यहाँ पर एक ही पेड़ है। और बाकी यहाँ से जो है मैं जा रहा हूँ अभी जो है पानी तोड़ने के लिए अपने उधर वाली गौशाला है ना, हमारी गौशाला दूर है। और बाकी हमारे जो है ना मौसमी का पेड़ देखोगे गाइस ये है, इसमें बहुत प्यारी प्यारी मौसमी लगती हैं ये, और बहुत सारी मौसमियाँ लगी है ना देखो ये, मतलब अभी कच्ची हैं, अभी जब पकेंगी ना तो उसके बाद बहुत मतलब टेस्टी होती है, बहुत मज़ा आता है खाने में इनको, देखो ना सब बहुत सारी मौसमियाँ लगी हैं। और मेरे को जाना है गाइस वो सामने वहाँ मतलब है, मतलब अभी बहुत दूर है यहाँ से, वो दिखाता हूँ आपको, अभी सामने एक गौशाला दिखेगी हमारी, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट गाइज ना, वो देखो सामने गाइज जो है ना, तो मुझे वहाँ पर जाना है अभी, वहाँ पानी तोड़ के आना है, वहाँ से पानी जो है हमारे ऐसे करके यहाँ पर घर पे आता है इधर, और मैं जा रहा हूँ पहले वहाँ उसको करके आता हूँ। और हम बगीचा अभी वो यहाँ से देखो ना वो ऊपर है वहाँ पर, तो वहाँ पर आड़ू खुमानी के हैं पेड़, और बाकी इधर पर ना सारे बांज के पेड़ हैं इस साइड पर हमारे, और बाकी इधर की साइड पे ना जितना भी जो दिख रहा होगा नीचे तक ये यहाँ से देखोगे यहाँ तक मतलब ये सब हमारा ही है पूरा। तो बाकी वहाँ आजकल मम्मी ने घास वगैरह काट दी उधर खेतों में इधर वाले में, और बाकी अभी और काटनी है, मम्मी ने घास वगैरह बहुत काटनी है। लड़की लाइफ और क्या है, मतलब आता तो मज़ा है ना पहाड़ में, लेकिन यहाँ जो है ना बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें भारी रहना पड़ता है। और वहाँ भी देख रहे हो वहाँ भी बिल्कुल एक दिन का टाइम नहीं मिलता गाइस ना, बिल्कुल एक दिन का टाइम नहीं। आज रहा त्यौहार था, दुकान बढ़ाई थी इस कारण से आ गए, और चलते चलते ना मेरी सांस भी फूल जा रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो है जब चलना चलना चढ़ाई चढ़ाई है हल्के आगे को। और अभी जो है पानी तोड़ने के लिए जा रखा हूँ वहाँ पे अपनी गौशाला की साइड पे, तो चलते हैं पहले वहाँ पानी तोड़ते हैं, और उसके बाद फिर उधर की गांव की तरफ को जाएंगे। कुछ दोस्त भी हैं नए आ रखे हैं आज त्यौहार में, उनसे भी मिलेंगे, और कुछ दोस्त हमें मार्केट में मिल गए थे हम उनके साथ आए, और मिलते हैं और बात बात करते हैं। अब मज़ा आता है ना यार गाइस बहुत टाइम बाद मिलते हैं, तो चलो बात करते हैं पहले। पहले पानी यहाँ से ऐसे करके यहाँ से होते हुए वो सामने हमारा घर है वहाँ गया हुआ था, अब जो है ना इस पानी को जो है ना मैंने यहाँ से तोड़ तो दिया है, अब मेरे को इसको इधर लगाना है, तो इसको यहाँ लगाऊंगा मैं, तो ये पानी वो सामने उधर टैंक दिख रहा है आपको, वो टैंक पे जाएगा पानी, ये टैंक पे आ गया है। और बाकी इस टैंक पे हमारा पानी वगैरह सारा इकट्ठा होता है, उसके बाद फिर हम ये जो खेत है यहाँ पे, तो इनकी सारी खेतों की सिंचाई करते हैं। अभी तो यहाँ आलू नहीं लगे हैं, इस टाइम पे आलू का सीजन नहीं है, तो जब आलू होते हैं तो यहाँ आलू लगाते हैं और यहाँ से पानी डालते हैं आलू में जो है। मम्मी ने घास काट ली
डाली नीचे साइड को, थोड़ा इन दो तीन खेतों में रही है बस। नीचे को मम्मी ने ना पूरी घास काट दी है भाई साहब, और यहाँ पे देखोगे तुम दो एक दो तीन चार पाँच खेत रहे हैं बस। और बाकी हमारी गौशाला ये है, यहाँ पे पहले एक जानवर रहता था, अब वो जानवर भी मतलब रहा नहीं, हमारा बैल था लालू नाम था उसका, तो वो भी अब जो है मर गया। तो अब ये गौशाला में खाली घास ही घास रहती है। बाकी हमारा गाँव जो है ना इधर की साइड को है, सारा गाँव इधर को है, हमारा सबसे मकान इधर को पड़ता है और यहाँ से उधर को ही सारे गाँव मकान, ज़्यादा नहीं है मतलब 15-20 मकान होंगे बस हो गया। और एक मकान वो सामने दिख रहा होगा आपको, वो है ना ये वहाँ दूसरे गांव से हमारे यहाँ से लाइट आ रही थी, अभी कुछ साल पहले ही आई हुई है लाइट, तो इसमें लाइट के काम में भी मैंने बहुत काम किया हुआ है इधर पे। और फिर लाइट आ गई, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है वो, और ये अल्मोड़ा है, वो सामने देखो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। और मम्मी ने यहाँ पर जो है ना घास भी इकट्ठा कर दिया बहुत सारा, देखो ना सूखी घास होगी तो ये इसका लूटा लगाते हैं ना, जैसे इकट्ठी कर देते हैं बारिश में नहीं भीगे करके, इस तरीके से लगाते हैं डाउन डाउन करके, तो जो पानी आता है बरसात का सीधे घास को छूते हुए नीचे चले जाता है, तो इसलिए हम इसको पहाड़ी में लूटा बोलते हैं। और बाकी जैसे पिरोल की थुपड़ी दिख रही है आपको, इसमें पानी गिरेगा तो ये पानी ऐसे बहते हुए नीचे को आ जाएगा, बीच में जो है ना वहाँ पानी नहीं जाएगा, तो जो है सड़ेगा गलेगा नहीं, वो चीज़ जो बाहर बाहर है वही ख़राब होगा बस। गाइस जो है ना अब मैं पक्का देखना ना उल्टी कुड़बुत करूंगा, क्योंकि ना पहाड़ी में कुड़बुत कहते हैं, तो पहले मैं देना उल्टी हरकत करने वाला हूँ पक्का। अभी ना मैंने जो है जेब में बम भर लिए, तो उधर बाहर आंगन में जो है ना चचा लोग मतलब जगमोहन प्रधान जी लोग और मतलब और भी बहुत सारे गाँव के लोग हैं मतलब, तो वो बैठे हुए हैं, मैं चुपचाप से किसी के पीछे से जाके ना ये वाले बम फोड़ूंगा, VIP बम रखे हुए मैंने 4-5, तो इनको जाके फोड़ते हैं, तो चुपचाप रहना बने रहना, चलता हूँ मैं यहाँ से चले। हेलो गाइज बिग फैन। सो गाइज ना मेरे से मिलने आए, देखो गाइज इतने सारे फैन आ गए मेरे ऊपर, देखो ये फैन की तरह लग रहे ना, क्योंकि फैन ऊपर ही होता है, तो ये फैन की तरह लग रहे हैं सारे। गाइज तो ये है ना, ये चाचा हैं और बाकी जो हैं ये नंदाजू हैं, तो इनके साथ हम बचपन में बहुत ज़्यादा बैठा करते थे। बाकी मोहित को तो ये मूर्ख को तो आप देखा ही करते हो ब्लॉग में, और बाकी जो चाची थी ना वो अंदर को चले गए, आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा चाची को। और बाकी मेरे फैन देखो ना ऊपर से ऐसे चिल्ला रहे हो, देखो सुनो, पहले छोटा था ना अब बड़ा हो गया है। हाँ है, हाँ ये तो है खैर। हाँ बस बजा देंगे, ब्लॉग कमेंट करिए ने, प्लीज लाइक शेयर, इनको बहुत सपोर्ट करना है हमने। हेलो गाइज, और ये देखिए धीरज भाई हमारे दोस्त, बहुत बचपन के दोस्त हैं जो है ना। अब मैं पहुंच गया मंदिर पे ना, तो जस्ट यहाँ से देखोगे ना सामने से सूरज जो है ना की किरणें से जो आ रही है मुंह पे आ रही है, वहाँ पे पहाड़ लगता है ना, एक पहाड़ है, तो पहाड़ से जो है ना सूरज डूबने वाला नीचे को अभी, तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना सूरज चले जाएगा। और बाकी जो है ना मैं मंदिर पे पहुंच गया हूं, तो आपको दिखाता हूं मंदिर सामने। सो गाइस जो है ना ये है मंदिर गाँव का हमारा, तो यहाँ पर जो है शेर, जय हो। और यह जो ना मेन मूर्ति है यहाँ पे मंदिर में हमारे